राजगुरु मार्केट के मद्रास हैंडलूम में आग लग चुकी है। ऊपर आप देख पा रहे हैं काफी सारा धुआं ही धुआं आपको यहां पर नजर आ रहा है। करीबन करीबन पौना घंटा हो चुका है यहां पर आग लगे हुए, और ऊपर का जो पार्ट है पूरे के पूरे पार्ट के अंदर काफी सारी आग जो है वो लगी हुई है। आग की लपटें जो है वो अंदर काफी सारी है। फिलहाल मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं हरियाणा की फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। एक गाड़ी और दो गाड़ी यहाँ पर मौके के ऊपर अवेलेबल है। दो गाड़ी से दूसरी साइड खड़ी है, जैसे ही पानी यहाँ पर खत्म होगा तो दूसरी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी। लेकिन मौके के ऊपर ये एक बड़ी खबर, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है ये अंदर तक गए हुए हैं आग को बुझाने के लिए, और पानी का काफी तेज प्रेशर है। ये देख पा रहे हैं ये दबाने से भी नहीं दब रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर ऊपर तक गया हुआ है और धुआं लगातार वहां से नजर आ रहा होगा आपको। आप देख पा रहे हैं काफी सारा धुआं अंदर से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। ये हिसार का नंबर वन शोरूम था जहां पर फिलहाल आग लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी लपटें जो हैं वो लगातार बाहर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम से भी यहां पर नौजवान मौजूद है, बातचीत करेंगे कि सर कितना वक्त हो चुका है इस आग को यहां पर लगे हुए। आधा घंटा हो गया भाई, हमने तो आए आधा घंटा हो गया। हाँ तो सर अब आग के ऊपर कितने काबू पा लिया गया, कुछ बता पाएंगे? देखो कभी उधर से उठ रहा धुआं, कभी इधर से, बाकी आधा घंटा हो गया लगे हुए। युवा पर मौका देख लो कितना का धुआं उठ रहा, कितने का आग है। ब्रिगेड के कितने कर्मचारी ऊपर जा चुके हैं फिलहाल? ऊपर 5 से 6 कर्मचारी हैं जी। 6 कर्मचारी जा चुके हैं। कितनी गाड़ियां आ चुकी है? दो गाड़ियां आई हैं। तो फिलहाल इधर मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं काफी जगह पर धुआं ही धुआं जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। अंदर जाने की कोशिश करें, अंदर जाके भी आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इधर भी आप देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है वो पुलिस प्रशासन ने ब्लॉक करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना गुजरे। मौके के ऊपर यहाँ पर हरियाणा पुलिस के नौजवान जो है वो मौजूद है, उधर हरियाणा पुलिस की गाड़ी मौजूद है, 112 मौजूद है। रास्ते को कवर कर लिया गया कि कोई भी व्यक्ति इस गले के अंदर एंट्री ना करे। लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं ऊपर से इशारा किया जा रहा है कि आप साइड हट जाएं, यहाँ पर मत खड़े हो। ये देख पा रहे हैं फिलहाल शायद शीशा तोड़ दिया गया है। ये देख पा रहे हैं ये शीशा तोड़ दिया गया है, अंदर से धुआं नहीं निकल पा रहा था, इस वजह से शीशे को तोड़ा गया है। और फिलहाल सुशील कुमार जी ऊपर मौजूद हैं जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप एक और शीशा तोड़ दिया गया है, वो देख पा रहे हैं आप एक और शीशा टूट चुका है, अभी तीसरा शीशे का नंबर आएगा। ये देख पा रहे हैं आप हिसार शहर से बड़ी और लाइव तस्वीरें, बड़ी मुश्किल के साथ में जब मेहनत करके इसको बनाया गया होगा, क्या क्या सोचा होगा कि हम किस प्रकार इसको तैयार करेंगे, इसकी रूपरेखा किस प्रकार तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल सोचा नहीं था कि कभी इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये इतने समझदार लोग हैं कि बताया गया कि ये रास्ता ब्लॉक है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर अपनी जान को जोखिम के अंदर डालकर यहाँ पर निकल रहे हैं। अगर कुछ है ना नहीं हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये देख पा रहे हैं एक और शीशा ऊपर से तोड़ दिया गया है। सबसे एक बड़ी अपील की आप साइड में हो जाए, नीचे खड़े ना हो, क्योंकि धुआं जो है वो अंदर अत्यधिक हो चुका है, हद से भी ज्यादा धुआं अंदर हो चुका है। और आग के ऊपर काबू पाने के लिए हवा का बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी होता है, आपको सभी को पता है। फिलहाल धुआं की लपटें जो है वो बाहर काफी नजर आ रही हैं, सभी शीशे शायद इसके तोड़े जाएंगे। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऊपर के माले के ऊपर आग लग चुकी है, और हमारी हरियाणा की फायर ब्रिगेड की टीम मौके के ऊपर मोर्चा संभालते हुए, चाहे उस साइड आप देख पा रहे हैं चाहे इस साइड आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको काफी धुआं ही धुआं नजर आने वाला है। सर कितना वक्त हो गया बेटा आपको यहाँ पे देखते हुए? मजा भी आया हूँ अभी आए हूँ। आपको कितना वक्त? भाई साहब मजा भी आया हूँ अभी आए। हाँ जी कितने वक्त से खड़े हैं? अभी आए हैं। अभी आए तो फिलहाल सर कितने वक्त पहले ही आग लगी थी? आधा घंटा हो गया इसको। मौके के ऊपर टीम पहुंच चुकी थी? हाँ टीम आ गई थी उसी टाइम। हाँ जी तो सर बहुत मुश्किल के साथ में ये बनाया गया था, कुछ पता चला कि आग लगने की वजह कुछ क्या? अभी कुछ नहीं पता सर, तो बाद में पता लगेगा। नहीं अभी कुछ नहीं पता। तो ये बड़ी शिद्दत के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति अपना छोटा मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, कोई रूम सजाता है, कोई ऑफिस सजाता है, बड़े ही उसको साजों से तैयार करके उसको बनाता है, और जिस वक्त पे आप सोच पा रहे हैं आग लगी होगी, तो इसके मालिक का दिल जो है वो कैसा हो रहा होगा, पसीज रहा होगा कि साहब ये एकदम से क्या हो गया। काफ़ी लाखों का नुकसान यहाँ पर सुनने को नज़र आ रहा है कि काफ़ी लाखों का सामान, करोड़ों का सामान ऊपर जो है वो रखा हुआ था। गद्दे हैं, बिस्तर है, उसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें चादरें हैं, सिरानों के पिल्लोज हैं, उसके कवर हैं, काफ़ी सारी आइटम्स जो हैं वो मद्रास हैंडलूम के ऊपर मिलती थी। चाहे पर्दे हैं, पर्दों से रिलेटेड हर एक आइटम यहाँ पर आपको देखने को अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ आग के हवाले हो चुका है। और मौके के ऊपर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच चुकी है आग को बुझाने के लिए। देखना यही है कि अभी कितनी देर तक इसको काबू में पाया जाएगा।
ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें हिसार शहर के मद्रास हैंडलूम से। फिलहाल ऊपर से कांच तोड़ दिए जा चुके हैं और जमीन के ऊपर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कांच जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। अभी भी एक बड़ी अपील कि आप साइड में हो जाइए क्योंकि ऊपर से कांच जो है वो एक और तोड़ा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक और कांच को यहाँ पर तोड़ने की अपील, और आप साइड में हो जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आग लगी है। अंदर से गुप्त सूत्रों से खबरें जो हैं वो यही मिल पा रही हैं कि यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट जो है वो करीबन एक महीने से बंद थी और जिस लिफ्ट के अंदर काम चल रहा था और उस लिफ्ट की एक तार के अंदर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग ने यह भयंकर रूप ले लिया और ऊपर हैंडलूम में आग लग गई। गुप्त सूत्रों के हवाले से यह खबर जो है ये आ पा रही है, लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर देखना यही है कि यह आग वजह क्या रही, पक्की पुख्ता प्रूफ जो है इसके क्या है, लेकिन फिलहाल गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो यही है कि लिफ्ट की वजह से यहाँ पर आग लग चुकी है। चलिए एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वजह क्या रही आग को लगने की, कितना एक नुकसान जो है वो फिलहाल यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल पानी जो है वो आप देख पा रहे हैं ऊपर तक पानी हो चुका है और ऊपर से नीचे तक ये सारा का सारा पानी आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी जगह पर पानी पानी, और ये देखिए आप यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर से ये पानी चलता हुआ नज़र आने वाला है। देख पा रहे हैं इधर इधर आप देख पा रहे हैं इधर भी पूरा कंप्लीट जो है वो पानी नज़र आ रहा है, और इधर ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट भी है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर खड़ा होना जो है वो इतना मुनासिब नहीं है क्योंकि अंधेरा और उसके साथ साथ में धुआं इतना है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अभी भी ऊपर आग को बुझाने के अंदर लगे हुए हैं, जो कि वाकई में ही बहुत काबिले तारीफ है। यहाँ पर खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊपर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप फिलहाल शीशे जो है ये तोड़ दिए जा चुके हैं।